भैया तुम पीछे आ जाओ, चलाओ ना गोली। भैया क्यों नहीं है? भैया तूने भैया को हाथ कैसे लगा? हाथ कैसे लगा तूने? भैया को छोड़ूंगा नहीं मैं। हाथ कैसे लगाया तूने? भैया को छोड़ दो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो थी, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा उसको, देखो वो हॉस्पिटल चला गया होगा, अभी तक कोई आ गया होगा उसको लेने के लिए, तुम उसकी फिक्र मत करो प्लीज। कोई आ गया होगा ना? शहीर रात से घर वापस नहीं आया, फोन ऑन है, बेल जा रही है, मगर वो उठा ही नहीं रहा। मैं बहुत परेशान, अम्मा मुझसे ज्यादा परेशान। जाफर मैमूना ठीक कह रही है, भाई की खबर लो, पता करो उसके बारे में। कौन हो तुम? कौन हो? और ये शहीर का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कौन हो तुम? क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा शहीर कहाँ है? उसका फोन किसके पास है? कहाँ है शहीर? बात करवाओ मेरी उससे। फोन चोरी किया तुमने उसका, तुम जानते हो कौन है वो? फोन चोरी किया तुमने उसका? वो सब मैं क्या? जवाब दो, काहे शहीद साहब, बात करवाओ मेरी, बात करवाओ वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं नहीं साहब, साहब साहब मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया, ये तो लाश के पास पड़ा था, मैंने तो बस उठा लिया। बकवास किए जा रहे हो तुम, जो मुंह में आकर बोलते रहोगे। फोन चोरी किया तुमने, फोन चोरी किया तुमने, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, जाफर जाफर क्या हुआ? अरे बोलते क्यों नहीं, चुप खड़े हो? कहाँ है मेरा शहीद? शहीद ठीक तो है ना? मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, शहीद ठीक है, फोन चोरी हुआ उसका, सिर्फ फोन चोरी हुआ है, शहीद ठीक है, मैं ट्रैक करवा रहा हूँ, तो अम्मा के पास रुको। शहीद ठीक है, ठीक है। जी सर, जी बेहतर। साजिब, देखो साजिद नफरी तैयार करो, गाड़ियां निकलवाओ, कोई बड़ी कहानी हो गई है, और एसएचओ साहब को मेरे कमरे में भेजो। ओके सर। एक तो ये बड़े लोगों की औलादे में ना, खुद तो रात भर अय्याशियां करती हैं और शामत हम जैसों की आती है। साहब आप टेंशन ना ले साहब, छोटे साहब ठीक होंगे, कहीं मोबाइल उनका मिसप्लेस हो गया हो। कोई तरीका थोड़ी है, उसके पास दूसरा मोबाइल भी, उससे इन्फॉर्म कर सकता था। अबे आ जा। हाँ मालिक, मैंने उनके दूसरे नंबर पर ट्राई किया है, बट वो तो फोन बंद जा रहा है। बहुत लापरवाह हो गया है, बात नहीं करूंगा मैं इससे, कोई तरीका ही है। किधर मोड़ना है? हाँ मालिक, यहाँ से राइट राइट। एक तो
तुम्हारे भाईजान तुम्हारा इंतजार कर रहे थे नाश्ते पे। आज ऑफिस नहीं जाओगी? वो ठीक तो होगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक होगा वो। अच्छा सोचो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मुझे कोई सोच नहीं आ रही है इस वक्त। बार बार उसी का ही ख्याल आया जा रहा है। मुझे इस सिचुएशन को खुद हैंडल करना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने कभी उसको सीरियस ही नहीं लिया। अच्छा भी रोना धोना बंद करो। मैंने इस बारे में तुम्हारे भाईजान को कुछ नहीं बताया। उन्हें पता चल गया ना तो हम दोनों की जिंदगी अजाब हो जाएगी। वो पहले ही तुम्हारी मुलाजमत के खिलाफ थे और अब तो भूल ही जाओ। उठाओ इसका फोन और पूछो कि कोई इत्तला मिली है उस लड़के की। तुम दोनों की इन बातों ने ही आज ये दिन देखना नसीब किया है। हेलो सैम। सैम मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत परेशान हूँ, रात से सो नहीं सकी हूँ ठीक से। हया हया मेरी बात सुन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। अब तुम ऑफिस के लिए निकलो, मैं भी निकलता हूँ, फिर बैठकर आराम से बात करते। अच्छा ठीक है। की हालत ऐसी नहीं थी कि एक लफ्ज और मत बोलना मुझे, एक लफ्ज और मत बोलना। मुझे मेरा भाई जिंदा सलामत जैसा कल एक आवाज देता तू अपने भाई को, सिर्फ एक। सर ये गन शॉट नहीं है, ये हेड इंजरी है। अगर तिब्बी इमदाद इनको टाइम पे मिल जाती तो शायद, बहरहाल डेथ की वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। हाथ ही लगाएगा कोई इसको? कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा शहीद का, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। सर ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने इसकी जान ली है। जिसने मेरे शहीद की जान ली है इसका कातिल मुझे मेरी नजरों के सामने चाहिए, पर देर नहीं होनी चाहिए। मैंने आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है और इस बात की यकीन दहानी कराई है कि मीडिया से दूर रहे, लेकिन इस वक्त बहुत रश मौजूद है मीडिया का बाहर। हाँ बाजी, बाहर बाहर मीडिया छोटे मालिक की बेबसी की मौत की
का भेज चला रहा है भाई, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं संभाल लूंगा। नहीं नहीं, बेबसी की मौत नहीं मरा है मेरा भाई, बेबसी की मौत नहीं मरा है, किसी चैनल पे अगर ये खबर चली तो उनको बता देना, क्योंकि मीडिया उसे चला के राख कर देगा जाफर भाई। ऐसे ही होगा मालिक। सुनो, बोलो, रोड एक्सीडेंट था? रोड एक्सीडेंट, दोनों गाड़ियों में जितने भी लोग थे सब मारे गए, बस ये खबर चला। तुम डर क्यों रही हो? हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से हम पर बात आएगी। फायर भी उसी ने किया था और पहला अटैक भी उसी ने किया था। और हमने उसे पलट कर देखा भी नहीं। हम वहाँ उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे उस हालत में। अल्लाह ताला हमारी इस गलती के लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगे ज़यान। तुम यहाँ बैठकर उसका दुख मनाती रहो, उसी गलती याद मत रखना। तो बदतमीजी कर रहा था वो तुम्हारे साथ, पागल हो रहा था तुम्हारे लिए, बकवास कर रहा था तुम्हारे बारे में, और मैं क्या करता? बगैरतों की तरह खड़े होके सब तमाशा देखता रहता, घसीट कर ले जाता वो तुम्हें कहीं, आज तुम यूं अपने घर पर ना होते। मर्द अगर औरत को तहफ़ुज़ देना ना जानता तो रिश्ते नाते बनाने का उसको कोई हक नहीं होता। और ऑनेस्टली मैं तो बहुत ही हैरान हुआ यार, वो तुम्हें इतना ज्यादा इन्वॉल्व था और तुमने मुझसे एक बार भी जिक्र नहीं किया। इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी कि कोई बताने वाली बात भी नहीं थी। कॉलेज फेलो था वो मेरा, कभी कभार मजाक किया करता था, मैंने कभी सीरियस नहीं लिया उसे, पर इतने अरसे के बाद वो मुझसे मिला था, मुझे तो याद भी नहीं था वो। अच्छा भूल जाओ, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, हया तो मेरी इज्जत हो, और मेरी इज्जत को कोई गलत निगाह से अगर देखेगा तो उसका यही अंजाम होगा। सयान, मेरी वजह से तुम इतनी मुश्किल में फंस गए। I'm really sorry। यार तुम मेरे जीने की वजह, तुम मेरे साथ रहोगी, मेरा साथ दोगी, मैं हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूँ। I promise। कौन है जाफर? ये तुम किसे ले आए हो? तुम तो शहीर को लेने गए थे, ये किसकी मैयत उठा लाए हो? ये मेरा शहीर तो नहीं है ना? ये मेरा शहीर तो नहीं है ना? नहीं अम्मा, ये शहीर नहीं है। शहीद क्यों होगा? शहीद ही है
ये हमारा शहीद ही है। देख लीजिए अच्छी तरह से इसका चेहरा। आज के बाद शायद इसको फिर देख नहीं पाएंगे। खबरदार, खबरदार जो ऐसा तुमने कहा, ये मेरा शहीद नहीं हो सकता, ये मेरा शहीद नहीं हो सकता, ये मेरा शहीद नहीं हो सकता। अम्मा संभालिए खुद को। अम्मा, 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 डॉक्टर को बुलाओ, पानी लेकर आइए। मैंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि तुम्हारी दी हुई तकलीफ सब मुझे याद भी। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे शहर कायद की खबर से। तुम इस वक्त ऑफिस नहीं गई? ऑफिस ही गई थी, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो छुट्टी लेकर आ गई। तबीयत ही खराब रहती है। अफसोसनाक खबर आपको दें, मशहूर मारूफ बिजनेसमैन और सियासी शख्सियत जाफर इलाही के छोटे और इकलौते भाई शहीर इलाही एक रोड एक्सीडेंट में जान बहक गए। शहीर की डेथ। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है, तुम दोनों की जान पर क्यों बन गए? फूफो का लड़का है क्या? इसे क्या हो, खैरियत तो है? तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी। मैं, आप चाय पिए, मैं देख लूंगी उसको। भैया ये महीने क्या खिचड़ियां पकाती रहती। 27 वर्ष थी और मरहूम दो दिन पहले ही बैरून मुल्क से आला डिग्री लेकर घर वापस लौटा था। जितने जहां मरना हो वहां पे मौत उस खींच के लेके जाती। मर गया बेचारा। हेलो जयान, जयान वो मर गया, शहीर मर गया जान। शहीर मर गया, मगर कैसे? गोली तो लगी नहीं थी ना उसको? उसके सर पे चोट लगी थी। मैंने तुम्हें कहा भी था कि हमें उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, मगर तुमने नहीं सुनी मेरी। वो मर गया है। हया तुम रो रो के परेशान मत करो मुझे, और खुद भी परेशान मत हो प्लीज। सयान तुमने नहीं देखा, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, उसके घर पे क्या कयामत टूटी है। टीवी पर न्यूज चल रही, क्या बता रहे टीवी पर? बैठो। हेलो सयान, टीवी पर तो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करेगी। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाओ। आप ही, मैं कुछ सोचता हूँ, आप बस हया को समझो। वो मर गया, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। Thank you.
दिल दे दर्द दुहाई दे दोनों मेरे मुजरिम हैं। इनका मुकदमा मेरी अदालत में चलेगा और फैसला भी मैं सुनाऊंगा। किसी थाने किसी अदालत को बीच में मत आने देना। उसे रुखसत होते हुए भी नहीं देख सकी। होश में आएगी तो ढूंढेगी, पुकारेगी। देखिए, ये सदमे की वजह से गहरी बेहोशी तारी है इनमें। इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है, बस आप लोग ये दुआ कीजिए कि इन्हें जल्द होश आ जाए, वरना तो इनको दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और आप लोगों को बहुत ख्याल रखना होगा। सदमा तो सारी जिंदगी का मिल गया है डॉक्टर साहब, अब ये होश में आएगी तो क्या क्या बताएगी। परवीन, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ कर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। खुद को संभालिए प्लीज, मत करें। खुद को संभाल कैसे कैसे रेशु, अभी तो वो उसे मट्टी के हवाले कर रही हूँ, अभी तो मट्टी ने उसके कफन को छुआ होगा, कैसे संभालूं खुद को, कैसे संभालेगी अम्मा खुद को। ठीक कह रही है भाभी, जाने कैसे जाफर भाई ने उसे कब्र में उतारा होगा। कातिलों का सुराग मिल गया है जाफर, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे। हौसला रखो,
पुलिस को जाए वकूआ से कोई वेपन तो नहीं मिला है, लेकिन एक चीज है जिसने सारी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल के रख दिया है। शहीद के मोबाइल मैसेजेस और सीसीटीवी फुटेज से जो क्लू मिले हैं, उनसे लगता है कि शहीद की जान किसी लड़की की वजह से ली थी। सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज मौजूद है। शहीद के मोबाइल मैसेजेस और सीसीटीवी फुटेज से जो क्लू मिले, उनसे लगता है कि शहीद की जान किसी लड़की की वजह से ली। शहीद तो भाई उस लड़की के अलावा किसी का नाम सुनना पसंद नहीं करते। भाई अब वो मेरी इज्जत है, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना तो ये दोनों मेरे मुजरम हैं। इनका मुकदमा मेरी अदालत में चलेगा और फैसला भी मैं सुनाऊंगा। किसी थाने किसी अदालत को बीच में मत आने देना। मुश्किल से घर वालों से इजाजत ली है कि दोस्त के साथ मरी जा रहा। मगर तुम जा कर रहे हो यहीं अपने दोस्त की तरफ जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता, और फिर वापस आ जाऊंगा। और मैं क्या करूंगी? तुम नहीं जानते मैं लम्हा भर सो नहीं पा रही। थोड़ी सी हिम्मत करो, कुछ नहीं हुआ है, हमने कोई मर्डर थोड़ी कर दिया है। अच्छा तुम कल ऑफिस जाना और ऑफिस से रिजाइन ले लेना, या फिर लॉन्ग लीव ले लो। नहीं जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी,
मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। किससे डर रही हो तुम? अभी तक पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की है और ना ही मीडिया पर कोई नई खबर आई है। ये एक एक्सीडेंट था और ये बात साबित हो चुकी है। तो तुम किससे डर रहे हो? क्यों भाग रहे हो? मैं डर कर नहीं भाग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपा की नसीहत पर एहतियात कर रहा हूँ। अच्छा कल तुम ऑफिस जाना और ऑफिस से रिजाइन ले लेना, समझी? चलो बस मैं निकल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी, हमारी बात होती रहेगी, रास्ते में रहूंगा। ओके बाय बाय। कर रहे हो वो ठीक नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो जाफर। हमें हमारा काम करने दो, हम उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। देखो जाफर, मुझे तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी जिद और अना से ज्यादा अजीज। तुम जानते हो मसूद, मेरी मां अभी तक बेहोश है, हॉस्पिटल पहुंच गई। शहीर के जाने के बाद मेरी जिंदगी में अब सिर्फ इंतकाम रह गया है। उसने इस खानदान का नाम, इज्जत आगे बढ़ानी थी। अब नहीं रहा है ना, तो किसी चीज की परवाह नहीं है मुझे। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम कानून हाथ में लो। कानून, कानून को माफ करने के लिए बहुत से जवाब ले आएगा, मगर मैं माफ नहीं कर सकता। मेरा इंतकाम शुरू हो चुका है। शहीर के मामले में मेरा दिल किसी जवाब, किसी चीज को नहीं मानता। मैं तुम्हारी भी नहीं मानूंगा। कर सकते हो ना, मेरी मदद करो, तावुन करो, नसीहतें और रुकावटें नहीं। Thank you.
मेरे भाई की मोहब्बत के रास्ते का पत्थर। तो तुम हो वो लड़की जिससे मेरे भाई ने मोहब्बत की थी। दिन रात तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए दुआएं करता था, जस्तजू करता था। वो चाहता था कि तुम्हारे साथ एक लंबी जिंदगी गुजारे। तुमने तुमने मार दिया मेरे भाई को, मार दिया तुमने। ऐसा नहीं कर रहे हो तुम, एक मासूम लड़की पर जुल्म करके अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हो। अच्छा नहीं कर रहे। मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। तुम लोगों ने जो किया था वो ठीक था। मेरा भाई सड़क पे तड़प तड़प के मर रहा था, उसको छोड़कर वहां से भाग गए थे। बहादुरी दिखाई थी वो तुमने। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झूठ बोल रहा है मेरे साथ। क्या? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तुम लोग कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अरे शहीद सड़क पे पड़ा तड़पता रहा, जानते हो कितने घंटे? और तुम लोग कहते हो कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो पहले आया था हम पर हमला करने के लिए, उसका इरादा था मुझे कत्ल करने का। एक और झूठ, एक और बकवास। ये झूठ नहीं कह रहा, सच। झूठ कह रहा है ये। हादसा नहीं था वो, नहीं था हादसा। तुम लोगों ने मारा है मेरे भाई को और अपनी आंखों से देखा है। यकीन नहीं है ना मेरी बात पे? नहीं है ना यकीन? बोले सर। तन मन लुटिया रोगी होया दिल मेरा जो